हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुल्तान विजेस इस्लामाबाद के बीच में जो T20 मैच होने वाला है, इस मैच के बारे में। इस मैच में जो है बहुत सारी अपडेटेड भी निकल के आई है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और इस मैच के रिलेटेड मैं आपको कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ जिससे आप बहुत अच्छा ड्रीम इलेवन पर विन कर सकते हो। तो फ्रेंड बात करते हैं विकेट कीपर पे। हमारे पास पहली बार जो है विकेट कीपर पे दोनों ही टफ ऑप्शन जो है, तो आप चाहें तो दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन एज अ फॉर्म और कंडीशन, पिच रिपोर्ट या सब कुछ एनालाइज करके मुझे जो लगता है कुमार संगकार आपके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होंगे स्मॉल लीग में। अदरवाइज रॉन्की जो है वो भी अच्छे फॉर्म में है, आप चाहें तो रॉन्की के साथ भी जा सकते हो। तो ये अप टू यू है। तो मैं हालांकि कुमार संगकारा के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ी न्यूज़, एलेक्स हेल इस मैच के लिए अवेलेबल है। तो ये मैच वो ज़रूर खेलेंगे तो आप उसे ले सकते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे JP डुमिनी, अहमद शहजाद को लिया है और अगर आप नीचे जाएंगे तो मैंने यहाँ पे शोएब मकसूद को लिया। आप चाहें तो यहाँ पर आसिफ अली को भी ले सकते हैं और मिर्ज़ाबुल हक कैप्टन को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है एंडरसन नहीं खेलेंगे तो आप चाहें तो यहाँ उस शोएब मलिक को ले सकते हैं। हालांकि मैं क्रेडिट की प्रॉब्लम की वजह से उसे नहीं ले पाया हूँ, इसलिए मैंने समित पटेल और हुसैन तलत को लिया है मैंने। इसके अलावा आप चाहें तो किरण पोलट के साथ भी जा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 5 बॉलर के साथ गया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने फहीम अशरफ को लिया हुआ है, वहीं पर मैंने इमरान ताहिर, सादब खान और यहाँ पर मैंने जो है सोहेल तनवीर को लिया है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो फहीम अशरफ जो है बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और आपके लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन हो सकते हैं। तो किसी भी मैं उसे ड्रॉप नहीं करना चाहता हूँ। वहीं पे इमरान ताहिर भी अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं, हालांकि उतना इम्पैक्ट नहीं दिया है। और जो एक न्यूज़ है वो उमर गुल खेलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं और अराउंड 90% खेलने के चांसेस है और शायद जो है जुनैद खान इस मैच पे जो है ड्रॉप हो सकते हैं। तो फ्रेंड बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के बारे में। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पे JP डुमिनी को कैप्टन लिया है और पिछले मैच में उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे कुमार संगकारा को वाइस कैप्टन लिया है, आप चाहे तो रॉन्की को भी रख सकते हो। साथ ही साथ इसके अलावा आपको ग्रैंड लीग में जो है एलेक्स हेल बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग को शायद पता नहीं होगा कि ये खेलेंगे या नहीं। और साथ ही साथ अगर एक चीज़ बताऊँ, हुसैन तलत भी एक अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं और अच्छी खासी बैटिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं ग्रैंड लीग में। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फैंटेसी टीम के लिए तो सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं अगले वीडियो में। होप करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में।